सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी जीएसटू की इस लहर में, जहां पे हम यूपीएससी जीएसटू का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं ऑन द यूट्यूब सेशंस ओनली। और आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो है इंडियन काउंसिल एक्ट की, तीनों इंडियन काउंसिल एक्ट की आज हम बात करेंगे। अभी तक हमने कवर कर लिया है, पहले चैप्टर में रेगुलेटिंग एक्ट कवर हो गया है, पिच इंडिया एक्ट कवर हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम देख चुके हैं और आज हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट की। तो दोस्तों, इस एक्ट का जो टाइटल है ना, उसी से हमें एक अंदाज़ा हो जाता है, हो जाना चाहिए कि ये जो एक्ट थे तीनों, 1861, 1892 और 1909, ये तीनों एक्ट जो आए थे वो इंडिया में जो काउंसिल चल रही थी, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल चल रही थी, उसमें रिफॉर्म्स के लिए आए थे। और दूसरा कारण ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इन तीनों एक्ट्स को लाया गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बट बिफोर वी बिगिन, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन, ताकि आपको वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्यों लाया गया, सबसे पहला सवाल तो यही है। तो देखो दोस्तों, इसका जो बहुत रीज़न है लाने का, वो बहुत आसान रीज़न है। 1857 में जब रिवोल्ट हुआ था, 1857 में रिवोल्ट हुआ, उसके बाद जो रूल था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया आफ्टर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 के एक्ट के बाद रूल पूरा कहाँ चला गया, क्राउन के पास चला गया। तो अब क्राउन को इस समय लगने लगा था कि हमें इंडियंस को भागीदारी देनी पड़ेगी, तभी जाके हम जो इंडियंस के अंदर जो डिसकंटेंट हो रहा है पैदा, उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो अब भागीदारी कैसे दी जाएगी, ऑब्वियसली काउंसिल्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा के दी जा सकती है। ठीक है, तो इस वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 लाया गया। जो उस समय की काउंसिल एग्जिस्टिंग करती थी उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए। सबसे पहली बात तो जो काउंसिल था उसको एक्सपैंड किया गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट 1833 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स थे, चार। शुरुआत हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, जिसमें चार मेंबर्स थे। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट में घटा के ये कितने कर दिए गए थे, थ्री कर दिए गए थे। और फिर उसके बाद दोबारा से चार्टर एक्ट 1833 में बढ़ा के इनको कितना कर दिया गया था, चार। और इसके अलावा एक डेवलपमेंट और चार्टर एक्ट 1853 में हुई थी, और वो डेवलपमेंट क्या थी चार्टर एक्ट 1853 में, कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे उनको सेपरेट कर दिया गया था ऑफ द काउंसिल, और छः लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स अपॉइंट किए गए थे। ओके, ये दो चीज़ें अगर आपको याद रहनी चाहिए तभी हम आगे कनेक्ट कर पाएंगे। अब काउंसिल में कितने मेंबर्स थे चार्टर एक्ट 1833 के बाद से, चार। अब इस एक्ट के बाद, काउंसिल एक्ट 1861 के बाद काउंसिल को एक्सपैंड किया गया और मेंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ा के कितने कर दिए गए, पांच। और ये जो पांचवा मेंबर था, इसको बोला गया कि आप फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स के साथ डील करेंगे। इसके अलावा जब थोड़ा टाइम आगे बढ़ा तो 1874 में काउंसिल में छठा मेंबर ऐड किया गया फॉर दी पब्लिक वर्क्स। पब्लिक वर्क्स के लिए छठा मेंबर ऐड किया गया इन द ईयर 1874। ऑलराइट, तो 1874 तक जाते जाते काउंसिल में कितने मेंबर्स हो चुके थे, छह मेंबर्स हो चुके थे। अब एक एक्सपेंशन तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हुई। इसके अलावा एक अच्छी डेवलपमेंट इसमें यह हुई कि जो काउंसिल थी उसमें जो लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए मेंबर्स को और बढ़ाया गया। ठीक है, और यह कहा गया कि मिनिमम छह और मैक्सिमम 12 मेंबर्स, एडिशनल मेंबर्स हम ऐड करेंगे इनटू द काउंसिल, और जिनका काम होगा केवल लेजिस्लेटिव पर्पस, कानून बनाने के समय जब काउंसिल बैठेगी तभी ये 6 या 12 मेंबर्स जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे इनटू द काउंसिल। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की शुरुआत हो चुकी थी। शुरुआत तो वैसे 1853 में ही हो गई थी, 6 नए लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे उसको एक्सपैंड करके बोला गया कि मिनिमम तो 6 होंगे, मैक्सिमम 12 हो सकते हैं। ठीक है, और ये बोला गया कि इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ऑलराइट, इंडियंस को भी बोला गया कि हाँ ठीक है, हम इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे। ये जो एडिशनल मेंबर्स हम ऐड कर रहे हैं ना, इसमें हम इंडियंस को भी ऐड करेंगे। और एक बात और बोली गई कि ये जो एडिशनल मेंबर्स होंगे इनको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर जनरल। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे उनको कौन अपॉइंट करता था, क्राउन। डायरेक्टली वो अपॉइंट किए जाते थे बाय द ब्रिटिश क्राउन, लेकिन ये जो एडिशनल मेंबर्स थे इनको बोला गया कि इनको अपॉइंट करने की पावर किसके पास होगी, गवर्नर जनरल के पास, और इनका टेन्योर होगा 2 साल का। ठीक है, 2 साल के टेन्योर के लिए ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं जिनको केवल लेजिस्लेटिव पर्पजेस के लिए अपॉइंट किया गया था, उनका टेन्योर 2 साल होगा।
ठीक है, और अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो मैक्सिमम 12 और मिनिमम 6, इनका काम था केवल लेजिस्लेटिव पर्पस, और गवर्नर जनरल अपॉइंट करेंगे 2 साल के लिए अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब इंडियंस की बात करी गई तो 3 इंडियंस को पहली बार लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया गया, और वो 3 मेंबर्स आप सब जानते हैं कौन थे। एक तो थे राजा ऑफ बनारस, जिनका नाम था राजा ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह, बनारस के राजा। इसके अलावा महाराजा नरेंद्र सिंह ऑफ पटियाला, नरेंद्र सिंह थे पटियाला के महाराजा। और इसके अलावा सर दिनकर राव, इन 3 मेंबर्स को जगह दी गई इंडिया की जो एडिशनल मेंबर्स वाली लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, डेवलपमेंट पोर्टफोलियो सिस्टम सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट आ चुका है ये वाला कि पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, और ऑब्वियसली 3-4 स्टेटमेंट थे जिसमें से एक स्टेटमेंट ये था। तो पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या होता है, आई होप आप सबको पता होगा। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक मेंबर काउंसिल का 1 या 2 डिपार्टमेंट्स को हैंडल करेगा, और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग उस मेंबर के पास डिसीजन लेने की पावर्स होंगी, ठीक है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और बहुत बड़ी डेवलपमेंट भाई साहब, बहुत ही बड़ी। जो आज हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन है, जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज पावर है, यानी कि जो स्टेट्स हैं, और इनफैक्ट अब तो पंचायती राज और म्यूनिसिपल बॉडीज भी हैं, स्टेट्स को जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, और डिसेंट्रलाइज और अगर नीचे चले जाएं तो पंचायती राज भी है, म्यूनिसिपल बॉडीज है जिनके पास भी कुछ एक्स्ट्रा पावर्स है। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये शुरुआत हुई थी, पूरी की पूरी डिसेंट्रलाइज्ड पावर्स नहीं हुई थी। पूरी की पूरी डिसेंट्रलाइजेशन कब हुई थी, आपको याद होगा हमने पिछले ही सेशन में पढ़ा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, तब जाके पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड पावर हमारे देश में आई थी। और एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा यहाँ पे, चार्टर एक्ट 1833 में, चार्टर एक्ट 1833 में आपको याद होगा कि ये पूरी की पूरी जो मद्रास और जो बॉम्बे के प्रोविंसेस थे उनसे उनकी पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव पावर्स छीन ली गई थी, जिनकी रिस्टोरेशन शुरू कब हुई, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट। और वो पूरी की पूरी रिस्टोरेशन कंप्लीट कब हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो ये आपको सीरीज ध्यान रखनी है, जो सीक्वेंस है ध्यान रखना। चार्टर एक्ट 1833 में पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज पावर छीन ली गई, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट में डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुई, रिस्टोरेशन ऑफ पावर्स टू द प्रोविंसेस, और रिस्टोरेशन ऑफ पावर्स कंप्लीट हुई कब जाके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांट की गई, ओके। तो ये था। इसके अलावा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर जनरल को दे दी गई, जो कि बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिशर्स। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे जो डिमांड कर रहे थे कि हमें और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो रिप्रेजेंटेशन तो दी, लेकिन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे दी गवर्नर जनरल को इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब इमरजेंसी में आपने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तो दे दी, लेकिन इसका ऑब्वियसली मिसयूज किया जाएगा, तो एक्सक्लूसिव पावर्स जो थी वो अभी भी किसके हाथ में थी, गवर्नर जनरल के हाथ में थी। इसके अलावा नई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, कहाँ कहाँ पे, पंजाब में, बंगाल में और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, इन 3 जगहों पे नई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मायनों में। पहला कि पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की शुरुआत हुई थी 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। ये 2 बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट तीसरा, सबसे पहली बार इंडियंस को इंक्लूड करा जा रहा था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। नाउ गाइस, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग थी, डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जब हमने इन्होंने एक्सपैंड किया था थ्रू दिस एक्ट, वो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर्स बैठते थे, कोई डिसीजन लेते थे या कुछ डिस्कस करते थे, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का कोई रोल नहीं था। इस सेशन के एंड में मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बता दूंगा, जो जो डेवलपमेंट काउंसिल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हुई थी और जो जो डेवलपमेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुई थी, ठीक है। लेजिस्लेटिव की शुरुआत ध्यान रखना आपको चार्टर एक्ट 1853 में हुई थी, जब 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को अपॉइंट किया गया था, और उसके बाद वो ग्रेजुअली बढ़ता गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 तक जाके बाई कैमरा लेजिस्लेचर में वो कन्वर्ट हो गया था, ओके। अब आ जाओ इस एक्ट के क्रिटिसिज्म पे। तो भाई साहब, क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं।
तो इंडियंस ने डिमांड करी थी कि हमें जो है रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो ठीक है इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, अंग्रेजों ने कहा ठीक है जी हम आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पर वो रिप्रेजेंटेशन दोस्तों बहुत खोखला रिप्रेजेंटेशन था, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास बहुत लिमिटेड पावर थी, बहुत लिमिटेड पावर थी, ठीक है, वो उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोग बैठे हैं कानून बनाने के लिए, तो उनके पास हक होना चाहिए कि वो वोट जो बजट है, एनुअल बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके क्वेश्चंस पे वोट करें, और जो उस काउंसिल का हेड है उससे सवाल पूछें, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन दागे, तो इस तरीके की कोई भी पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के पास थी ही नहीं, तो बेसिकली वो वहां पे रखे गए थे नाम के लिए, ठीक है। दूसरा, इंडियंस को इंट्रोड्यूस तो किया गया काउंसिल में, पर इसके लिए कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं लाया गया, कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं था इसके लिए, मतलब इसका यह है कि अगर वो नहीं भी रखते तो कोई इंडियन उनका कुछ नहीं कर पाता। तीसरा, एब्सोल्यूट पावर्स अभी भी गवर्नर जनरल के हाथ में थी, क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे रखी है आपने उसको। और तीसरा, पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन ऑफ इंडियन वाज यूज्ड जस्ट टू प्लेसेट द प्रिंसेस फॉर देयर ओन बेनिफिट। अब आपने देखा होगा जब तीन मेंबर्स को ऐड किया था उसमें से दो तो राजा ही थे, ठीक है, तो बेसिकली जो ये ऐड करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, जो मोटिव था इंडियंस का, ब्रिटिशर्स का, वो केवल प्रिंसेस को, जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे, उनको शांत करने का था कि ठीक है जी हम आपको भी जो है रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो सुजरेनिटी चल रही थी वो तो चली रही थी, अब हम आपको जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जगह दे रहे हैं, तो ये बेसिकली प्रिंसेस को प्रेसेट करने का एक तरीका था। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे इस एक्ट के, तो बेसिकली इस एक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया इंडियंस ने, ठीक है। अब जब इंडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया तो इंडियन काउंसिल एक्ट अगला लाना ही था, रिफॉर्म करने ही थे, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से पहले ना एक बहुत बड़ी, बहुत ही उम्दा डेवलपमेंट हो गई हमारे देश में, और वो डेवलपमेंट क्या थी, 1885 में, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हो गया। अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था ये बहुत बड़ी नाक में दम बनने वाला था ब्रिटिशर्स के लिए इन फ्यूचर में, जो कि बना जाके, हम सब ने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बेसिकली जब बना तो ये पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप था, अब पहली बार देश में ऐसा हो रहा था कि पढ़े लिखे लोगों का जो ग्रुप है वो डेवलप हो रहा है, तो ब्रिटिशर्स परेशान होने लगे थे धीरे धीरे कि अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये इंटरफेयर करेगा, ये मांगेगा रिप्रेजेंटेशन, तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, तो भाई साहब वो पॉलिटिक्स भी जानते थे, वो इकोनॉमिक्स का ज्ञान भी रखते थे, उनको सोशियोलॉजी का ज्ञान भी था, तो अब पढ़े लिखे लोग आ गए, उनको समझ में आ गया कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक ब्रिटिशर्स इंडियंस की भलाई के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो उन्होंने फिर डिमांड करी कि भाई साहब हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए और ज्यादा। बेसिकली इनकी दो डिमांड थी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के हिसाब से इनकी दो डिमांड इन्होंने रखी जो मेजर डिमांड्स थी। पहली चीज तो ये कि रिफॉर्म करो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, रिफॉर्म करो, नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाओ, जो नंबर ऑफ इंडियंस है बेसिकली वो बढ़ाओ, ठीक है। अब नंबर ऑफ इंडियंस तो बढ़ाओ, साथ ही साथ जो आपका नॉमिनेट करने का जो तरीका है, यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में नॉमिनेशन करते थे, तो वो जो नॉमिनेशन होगी जो गवर्नर जनरल अपॉइंट कर रहा है, तो उसको आप डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू करवाओ, ठीक है। ये दो डिमांड मेन थी, तो यहाँ पे क्या था, गवर्नर जनरल अपॉइंट करता था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करता था, नॉमिनेट करता था, अपॉइंट करता था, जो भी कह लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिमांड रखी गई कि डायरेक्ट इलेक्शन रखे होने चाहिए साहब, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस की जो संख्या है उसको बढ़ाओ। तो फिर ब्रिटिशर्स फाइनली इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लेके आए रिफॉर्म्स के लिए, पर देखते हैं रिफॉर्म्स कर पाए कि नहीं। सबसे पहली बात ठीक है, जो INC की डिमांड थी कि काउंसिल जो है उसमें एक्सपेंशन करा जाए, तो उन्होंने एक्सपेंड कर दिया, 12 से बढ़ा के जो एडिशनल मेंबर्स थे उनकी संख्या कितनी कर दी गई, 16, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी थी, ऑफिशियल मेजोरिटी का मतलब यहाँ पे है कि इसमें इसमें यह बोला गया कि जो मेजोरिटी होगी वो अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स की होगी, और ऑफिशियल मेंबर्स वो का मतलब यहाँ पे यह था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो या ब्रिटिश ऑफिशियल्स कह लो, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अबॉलिश हो चुकी थी, उसका काम खत्म हो चुका था, ठीक है। तो 12 से बढ़ा के कितना कर दिया, 16 कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो मेजोरिटी थी वो किसकी थी, ऑफिशियल्स की थी, ठीक है। एक अच्छी बात यह हुई कि राइट टू आस्क क्वेश्चंस दे दिया गया, उनको बोला गया कि ठीक है आप एनुअल बजट जो होगा, एनुअल बजट जो होगा और कुछ और पब्लिक अदर इम्पोर्टेंट पब्लिक मैटर्स पे
बोला गया कि ठीक है आपके पास हक है कि आप सवाल कर सकते हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे कि आज अपने सबने देखा होगा पार्लियामेंट में हमारा क्वेश्चन आवर होता है जिसमें मिनिस्टर से सवाल पूछे जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया कि ठीक है आप कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर्स पे सवाल पूछ सकते हो, एनुअल बजट पे सवाल पूछ सकते हो, लेकिन लेकिन आपके पास राइट टू वोट नहीं होगा, आपके पास वोट करने का राइट नहीं होगा एनुअल बजट के ऊपर। जो एनुअल बजट में ग्रांट्स होती है जिसपे अभी वोटिंग पड़ती है, अगर आपने बजट पढ़ा हो तो एनुअल बजट में आपके पास राइट टू वोट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छी थी, मतलब थोड़ी सी डेवलपमेंट थी ऑफकोर्स, क्योंकि इंडियंस की इंक्लूजन को बढ़ाया गया, राइट टू आस्क क्वेश्चंस उसको भी थोड़ा सा, मतलब ठीक है पूरी तरीके से नहीं मिला, राइट टू वोट नहीं मिला, लेकिन चलो सवाल पूछने का हक तो मिला। और इलेक्शंस जो थे वो अभी भी इनडायरेक्ट ही थे, इलेक्शंस अभी भी इनडायरेक्ट रखे गए जिसमें किसी भी तरीके का कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा। इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस में ये बोला गया कि जो प्रोविंसेस होंगे, प्रोविंसेस जो होंगे वो लोग नॉमिनेट करेंगे अपने बंदों को और फाइनली गवर्नर जनरल उनको अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, यही हुआ। और जो एक्सपेंशन थी काउंसिल्स की, इसके जो सेंट्रल थी जिसमें 12 से बढ़ा के 16 करा, इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसमें भी मेंबर्स जो थे वो इंक्रीज कर दिए गए, जिससे इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा इजाफा हुआ, मतलब थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुई। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे इस एक्ट की अगर हम बात करें कि इस एक्ट के क्रिटिसिज्म पे जाएं, तो पहली बात तो यह है कि ठीक है आपने इंडियंस की जो रिप्रेजेंटेशन थी उसको बढ़ाया, लेकिन मेजोरिटी तो यार अभी भी ऑफिशियल है ना, तो इंडियंस, अगर आप इंडियन इंडिया के ऊपर राज करने के लिए कोई कानून बना रहे हो और उसमें इंडियंस ही नहीं है तो फिर इंडियन की रिप्रेजेंटेशन का कोई फायदा नहीं है, ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी है। दूसरी चीज, इलेक्शंस आपने अभी भी इंडायरेक्ट रखे हुए हैं, तो आपके जो प्रोविंसेस के गवर्नर नॉमिनेट करके भेजेगा आप उसी को रखोगे, राजा महाराजाओं को आप रखोगे, जो एक कॉमन मैन है उसकी तो रिप्रेजेंटेशन आज भी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे। अब आ जाओ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पे। देखो भाई, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से पहले एक बहुत बड़ी घटना घट गई हमारे देश में, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और वो एक्सीडेंट क्या था, 1905 में बंगाल पार्टीशन कर दिया, बंगाल पार्टीशन कर दिया, जिससे कि जो हमारे नेशनलिस्ट थे उनके अंदर का रिसेंटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, डिसकंटेंट मतलब आग हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि अब तो जो है हम गोली मार देंगे अंग्रेजों को, क्योंकि बंगाल की पार्टीशन हो गई, ये क्या तरीके हैं। और दूसरी बात ये हुई 1906 में, हम सबको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। ठीक है, और 1906 में ही मुस्लिम लीग का एक मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर्स गए किसके पास, लॉर्ड मिंटो के पास मिलने गए। लॉर्ड मिंटो के पास मिलके उन्होंने बोला, इसको हम बोलते हैं शिमला डेप्यूटेशन, शिमला डेप्यूटेशन भी बोलते हैं इसको, वो इनके पास गए और इन्होंने बोला कि हमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमें हमारी रिप्रेजेंटेशन अलग से चाहिए साहब। तो यहाँ पे लॉर्ड मिंटो को एक बहुत बड़ा जो है, जिसे कहते हैं ना, एक धागा मिल गया कि ठीक है आपको हम दे देंगे, और उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में दिया भी, आपको हम दे देंगे। और उनके दिमाग में, लॉर्ड मिंटो के दिमाग में ये आ गया कि ठीक है बहुत बढ़िया तरीका है जिसमें हम, जिसकी वजह जिससे हम हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है वो बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, और खुद ही डिमांड कर रहे हैं ये लोग, तो हमें देने में क्या है, और हमारा जो पर्पज है हिंदू मुस्लिम डिवाइड का वो भी फुलफिल हो जाएगा इससे। इसके अलावा एक डेवलपमेंट और हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस देर वॉज अ डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी डेवलपमेंट हो गई। अब एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो मॉडरेट्स की तरह बात करने में विश्वास नहीं रखते थे, वो लात मारने में विश्वास रखते थे, उनका ये था बात नहीं होगी सीधा, अब जो है वो आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, बड़े बड़े जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सबको इंक्लूड कर दिया जाएगा, जो कि 1905 में बंगाल पार्टीशन के बाद हमने देखा भी था। तो इन सभी चीज़ों के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि नहीं भाई, अब तो इंडियन काउंसिल्स में हमें रिफॉर्म करने ही पड़ेंगे फिर से, तो इसलिए आया फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की थोड़ी सी जो डिमांड है, जो इंडियन नेशनलिस्ट बेसिकली, नॉट ओनली कांग्रेस, जो नेशनलिस्ट की डिमांड है उनको और थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा, उनकी डिमांड को पूरा करना ही पड़ेगा, वरना ये तो आग लगा देंगे पूरे देश में। तो जी ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्रोविजन की। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो चल रही थी जिसमें अभी तक कितने मेंबर्स थे, 16 थे याद रखना, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी भी कितने थे, 6 थे। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जब बैठती थी तो इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स भी उसका पार्ट होते थे, ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग चल रही है और लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग चल रही है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम अलग था,
लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स भी इस लेजिस्लेटिव काउंसिल, जब ये कोई कानून बनाने के लिए बैठते थे तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स भी इसका पार्ट होते थे। ओके, तो मेंबर्स बढ़ा के कर दिए गए जी 60, 16 से कितने कर दिए 60 कर दिए, और पहली बार अलाउ किया गया नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। लेकिन ये नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं थे, और ये जो 60 है ना, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी दे दी गई इन्होंने, दे दी इन्होंने कि चलो ठीक है नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी ले लो, लेकिन ये दी गई केवल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल में अभी भी नहीं दी इन्होंने, क्योंकि सेंट्रल तो भाई साहब इनको अपने कंट्रोल में रखना था, और साथ ही साथ जो वायसराय की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थी या गवर्नर जनरल की कह लो, वो अभी भी बनी हुई थी। अच्छा, थोड़ी सी डेवलपमेंट ये हुई कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस और अलाउ कर दिए, जो काउंसिल के मेंबर्स थे उनको बोला गया ठीक है आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, और काउंसिलर्स को बोला गया कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आपको 6 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 6 दिन के नोटिस के बाद आप कोई भी सवाल काउंसिल से, काउंसिल के सामने रख सकते हो, ठीक है, कि क्या डेवलपमेंट हुई इस पर्टिकुलर एरिया में। जैसे कि अभी आपने देखा होगा क्वेश्चन आर में होता है, या फिर और भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फाइल किए जाते हैं इन द पार्लियामेंट। ऑलराइट, ये थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की डेवलपमेंट। इसके अलावा डेवलपमेंट क्या हुई, इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर दी इन्होंने कि चलो ठीक है मेंबर्स जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे, लेकिन अभी भी ना इन्होंने एक पेज फंसा के रखा कि भाई साहब इलेक्शन तो होंगे लेकिन वो होंगे इनडायरेक्टली। अभी इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे थे मैं बताता हूँ। जो लोकल बॉडीज थी, लोकल बॉडीज मतलब म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गए, ट्रेड एसोसिएशन हो गए, इनका मिला के एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता था, इनका मिला के एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता था जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को अपॉइंट करते थे, ठीक है। और फिर ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। ओके, तो ये पूरा का पूरा तरीका था इनडायरेक्ट इलेक्शन का, यानी कि आम आदमी को अभी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। तो इलेक्शन तो आया लेकिन अभी भी कैसा था, इनडायरेक्ट था। दूसरी बात, सबसे अच्छी डेवलपमेंट यहाँ से शुरुआत हुई कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस की एंट्री हो गई भाई साहब, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, आप सबने नाम सुना होगा ऑफकोर्स इनका, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सबसे पहले इंडियन थे जिनकी एंट्री की गई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और हिंदू मुस्लिम डिवाइड का जो इनका, इनकी मंशा थी, इनकी मोटिव था, इनका ऑब्जेक्टिव था, वो इन्होंने पूरा कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये नहीं होता है कि सीट्स रिजर्व करना, नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब था कि जो सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व हैं उसमें वोटिंग भी कौन डालेंगे, मुस्लिम्स ही डालेंगे। जैसे सीट्स तो आज भी हमारे देश में रिजर्व हैं, एससी के लिए अलग है, एसटीज के लिए रिजर्व हैं, कुछ सीट्स महिलाओं के लिए भी रिजर्व होती हैं, लेकिन यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये नहीं था सीट्स रिजर्व, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यहाँ पे था कि सीट्स तो रिजर्व होंगी मुस्लिम के लिए लेकिन वोटिंग भी मुस्लिम ही करेंगे भाई साहब, ठीक है। तो यहां से इन्होंने जो हमारे देश में जो कम्युनलिज्म है उसकी नींव रखनी शुरू कर दी। वैसे कम्युनलिज्म की नींव इससे पहले रखी जा चुकी थी, वो हम अलग किसी टॉपिक में बात करेंगे, जो कम्युनलिज्म का बेसिस था वो रख दिया जा चुका था, लेकिन यहां से उसको और ज्यादा जो है मतलब उसको और ज्यादा अग्रेवेट किया गया। कैसे, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया मुस्लिम को और प्रॉपर एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड की एक बेसिस रख दी गई, ठीक है। तो ये था गाइस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, एंड ऑफ कोर्स आई होप आप सबको पता है कि इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मोरले उस टाइम के, जॉन मोरले उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, लॉर्ड मिंटो वॉज द वॉइसरॉय, एंड क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तो लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। तो ये तो बहुत बेसिक बातें, आई होप आपको ये सब तो पता ही होगा। अब इस एक्ट की क्रिटिसिज्म पे आ जाओ भाई साहब, बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया इस एक्ट को। पहली बात तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की कोई बात ही नहीं हुई, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो तब तक नहीं आ सकती तब तक कि जब तक कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अभी भी नहीं थी। दूसरी चीज, आपने कुछ दिया तो है नहीं, साथ में हमसे छीन और लिया हमारी एकता, कैसे, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया आपने, नेशनलिज्म जो हमारे देश में, हम जो उस टाइम नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था, जो नेशनलिज्म की भावना डेवलप हो रही थी, जो सेंटिमेंट डेवलप हो रहा था लोगों में, उसमें आपने फूट डाल दी, कैसे, सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके अलावा नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आपने दे तो दी प्रोविंसेस में, लेकिन मेंबर्स तो अभी भी कैसे रखे थे, नॉमिनेटेड ही थे, तो मेंबर्स अगर नॉमिनेटेड होंगे तो आप तो अपने जो खास चेले होंगे उनको नॉमिनेट करा दोगे। और तीसरा, डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस नहीं किया आपने, हमने बोला था डायरेक्ट इलेक्शन दो, आपने हमें अभी भी इनडायरेक्ट इलेक्शन का लॉलीपॉप थमाए रखा।
तो इस वजह से जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था उसको भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और पूरे जितने भी नेशनलिस्ट थे उन्होंने उसका बहिष्कार किया और बोला कि हमें और बढ़िया चाहिए, जिसके बाद गवर्नमेंट को मजबूरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाना पड़ा, जिसको हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में फिर बाई कैमरा लेजिस्लेचर और डायरेक्ट इलेक्शन का इंट्रोडक्शन किया गया था। ऑल दो डायरेक्ट इलेक्शन जो था उसमें भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी उसमें नहीं दी गई थी, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट सफराज भी बोलते हैं, बट चलो कहीं ना कुछ डेवलपमेंट हुई थी। तो वो हम ऑलरेडी गाइस डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, तीनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने वहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो गाइस ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909। आई होप आपको ये क्लियर है, ये तीनों के तीनों एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई होप आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता है। इनकी इंपॉर्टेंस यही है कि इसने हमारे देश में जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर था वो इंडियन काउंसिल से ही आगे बढ़ा, तो बेसिकली बाई कैमरल लेजिस्लेचर की नींव जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू रखी गई थी। ऑल्दो इंट्रोडक्शन उसकी कहाँ पे हुई थी, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, बट यस शुरुआत हो चुकी थी काउंसिल एक्ट में ही। ओके, अब बात करते हैं जो कन्फ्यूजन होता है जनरली स्टूडेंट्स को एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मैं उसकी एक पूरी जो टाइमलाइन है एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो आपको समझा देता हूँ जल्दी से। तो सबसे पहली जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनको असिस्ट करने के लिए जो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी उसमें चार मेंबर्स थे, दैट वाज इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आपको याद होगा, क्योंकि जो ये थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो गवर्नर जनरल की चलने ही नहीं दे रहे थे, तो उनकी संख्या घटा के कम कर दी, 3 कर दी और गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट दे दिया गया था। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 में फिर से इस नंबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नंबर को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 4 कर दिया गया। ठीक है, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट में अभी हमने पढ़ा कितना करा, 5 कर दिया, जो कि 1874 में बढ़ा के कितना कर दिया गया, 6 कर दिया गया। और याद रखो इन सभी को अपॉइंट किया जाता था बाय द क्राउन फ्रॉम 1874, 1876 के बाद से सभी को कौन अपॉइंट करते थे, क्राउन अपॉइंट करते थे डायरेक्टली। ठीक है, और उसके अलावा ये 6 मेंबर्स चलते रहे, और याद रखना ये 6 के 6 जो मेंबर्स थे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट भी हुआ करते थे। ठीक है, एक्सपैंड हुआ 1941 और 42 में, मेंबर्स जो थे 12 से 15 के बीच में रखे गए। ठीक है, 12 से 15 ये कोई फिक्स नंबर नहीं था, 12 से 15 डिपेंडिंग ऑन द पोर्टफोलियो, जो भी किसको क्या क्या बटेगा उसके हिसाब से। फिर इंटरिम गवर्नमेंट, जब कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया, जब इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान इंट्रोड्यूस हुआ तो कैबिनेट मिशन प्लान में ये लिख दिया गया था कि जब वॉइस राय या गवर्नर जनरल एक मेंबर, दूसरे मेंबर कमांडर इन चीफ, इन दो के अलावा कोई भी ब्रिटिशर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं होगा। कौन होगा, सेवल इंडियंस होंगे। तो बेसिकली ये इंटरिम गवर्नमेंट थी, मतलब जब हमें आज़ादी मिली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इंटरिम, जब तक पूरी हमारे 1951 में सरकार नहीं बन गई तब तक के लिए इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि आप ये कह लो जब हमारा संविधान पारित हुआ उसके बाद एक प्रॉपर गवर्नमेंट बनी, तो उससे पहले जो हमारे देश की इंटरिम गवर्नमेंट थी वो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही चल रही थी, जिसमें सिर्फ वाइसराय या फिर गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ जो थे आर्मी के वो ब्रिटिशर्स थे, बाकी सारे के सारे इंडियंस थे। तो ये डेवलपमेंट थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, और कंफ्यूज मत होना यार। ठीक है, और यहाँ पे 12 जो एक्सपेंशन हुई है 1941-42 में, नंबर 12 से 15 था, फिक्स नहीं था, तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ इंटरिंग गवर्नमेंट में भी जब शुरू में कैबिनेट मिशन प्लान में नंबर थे 14, वो बाद में बढ़ते चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर इंडियन काउंसिल एक्ट में नंबर कितने हो गए थे, 6 हो गए थे। अब आ जाओ तुम लेजिस्लेटिव काउंसिल पे, तो चार्टर एक्ट 1853 में अभी हमने पढ़ा 6 नए मेंबर्स ऐड किए गए जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर बोला गया, उनका काम क्या था, केवल लेजिस्लेटिव पर्पसेस। फिर 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट मैक्सिमम 12 मेंबर्स बोल दिए उन्होंने, 1892 मैक्सिमम 16 मेंबर्स होगा, और इन 12 और 16 के अलावा जब लेजिस्लेटिव काउंसिल बैठता था उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स भी होते थे, ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, अच्छा ये यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, ठीक है, मेंबर्स की संख्या बढ़ा के 16 से 60 कर दी गई, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बाई कैमरा लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें हमने पढ़ा है कि 145 मेंबर थे, एक जिसमें से 104 जो थे वो
इलेक्टेड थे और 41 जो नॉमिनेटेड थे, और वो जो 41 नॉमिनेटेड थे ना उसमें जो मेंबर्स थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी थे। यानी कि एक बात आपको ध्यान में रखनी है, बायकैमरल लेजिस्लेचर के बाद भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स की पार्टिसिपेशन थी, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनकी पार्टिसिपेशन आखिरी तक रही है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ओके, तो आई होप अब आपकी जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द सेशन, आई होप आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यूपीएससी का एग्जाम जो है अक्टूबर में प्री है, हम सबको पता है, उसके बाद मेंस हो जाएगा नवंबर दिसंबर में। तब तक हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, और नहीं तो अगले साल के लिए तो ये सेशंस हैं ही। तो अगले सेशन जो होगा, अगला सेशन में हम पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और हम ये जानेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में कि जब हमें आज़ादी मिली तो उस आज़ादी का क्या मतलब था, उस आज़ादी को हमने कैसे स्वीकार किया, और हर समाज का जो हर तबके का आदमी था उसके लिए आज़ादी का क्या मतलब था, महिलाओं के लिए आज़ादी का क्या मतलब था, और पिछड़ों के लिए आज़ादी का क्या मतलब था, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब था, जो ज़मींदार हैं उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब था, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जो रिच पीपल हैं उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब था। तो ये थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।